फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत और स्ट्रेचेबल फ्रिल या बॉर्डर जो है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं आपको इसके यूजेस भी बताऊंगी। इसलिए हमने ये 4-ply एक्रेलिक वूल ली है और 10 नंबर सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। और अभी हमने यहाँ पे 261 कास्टन किए हैं। तो देखिए, हमने फर्स्ट रो पहली सिलाई कैसे बुननी है। 5 फंदे हमने इसमें सीधे बुनने हैं पहले। 2, 3, 4, 5 और 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, फिर 5 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे। तो पूरी हमने रो में अब यही 8 फंदे रिपीट करने हैं, 5 सीधे, 3 फंदे उल्टे। और ये रो हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद रॉन्ग साइड से आप चाहें तो उल्टे भी बुन सकते हैं सारे फंदों को, और आप चाहें तो जैसे हैं फंदे वैसे भी बुन सकते हैं। ये देखिए, 3 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे। तो ऐसे हमने इन 8 फंदों की जो है 10 सिलाइयाँ 10 रोज बुन लेनी है। आप चाहें तो जैसे हैं फंदे वैसे भी बुन सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, या फिर रॉन्ग साइड से इन्हें उल्टा उल्टा भी बुन सकते हैं। तो पहले ये 10 सिलाई हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे 10 रॉस। देखिए फ्रेंड्स, 261 फंदों पे हमने 5 फंदे सीधे और 3 फंदे उल्टे बुनते हुए ये 10 सिलाइयाँ बुन ली है 10 रॉस। अब देखिए 11वीं सिलाई। अब हमने इस फ्रिल को बंद करना है, झालर को बंद करेंगे। तो पहले फंदे को स्लिप करेंगे, पहले ये जो 2 फंदे हैं इन्हें तो सीधा बुन लेंगे, और ये जो अगले 2 सीधे फंदे हैं इन 2 का हम फ्रंट लूप से 1 करेंगे ऐसे। अब ये बीच के 3 फंदे हैं इन्हें उल्टा बुन लेंगे पहले, 1, 2, 3। अब हमने 2 फंदे इस तरफ से और 2 फंदे इस तरफ से कम करने हैं, तो पहले इन 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे और बैक लूप से 2 का 1 कर देंगे ऐसे इसके। फिर बीच का 1 फंदा सीधा आएगा, इस तरफ के जो 2 फंदे हैं उन्हें फ्रंट लूप से 2 का 1 करेंगे। बीच के 3 फंदे उल्टे, 1, 2, 3। और पूरी रो में हमने यही रिपीट करना है, ऐसे इसके 1 फंदा सीधा, 2 फंदे फ्रंट लूप से एक साथ सीधे, ऐसे इसके 1 फंदा सीधा, 2 फंदे फ्रंट लूप से, और फिर 3 फंदे उल्टे। तो पहले हम ये वाली पूरी रो ऐसे ही बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के ये 5 फंदे जो रहेंगे वहां तक पहले ये बना लेते हैं। देखिए 5 फंदों तक हमने बुना है, 3 फंदे ये उल्टे बुनने के बाद ये 5 फंदे जो है इनमें से 2 फंदों को हम फिर से वैसे ही स्लिप स्लिप करके बैक लूप से 2 का 1 करेंगे और बाकी के फंदों को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 11वीं सिलाई इस तरह से कंप्लीट हुई। अब देखिए 12वीं सिलाई, 12th रो। इसमें अब ये 4 फंदे उल्टे जाएंगे शुरू के, 2, 3, 4। अब ये देखिए 3 फंदे सीधे आएंगे, 1, 2, 3 और 3 फंदे उल्टे। और पूरी रो में हमने 3 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे बुनते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लेनी है। फिर से 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, जो 5 थे अभी ये 3 ही रह गए हैं, तो इनको हमने तीनों को उल्टा बुन लेना है। जो 5 उल्टे आए थे इस तरफ से वो 3 ही उल्टे रह गए हैं। तो ऐसे हम ये वाली रो अब कंप्लीट करेंगे। पहले ये देखिए 12वीं सिलाई हमने 3 फंदे सीधे 3 उल्टे बुनकर कंप्लीट की, 12th रो। अब देखिए 13th रो, 13वीं सिलाई। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, 1 फंदा सीधा आएगा। अब जो अगले 2 सीधे फंदे हैं इन 2 का पहले फ्रंट लूप से 1 बनाएंगे। अब जो हमने देखिए रिपीट करना है, 3 फंदे ये बीच वाले उल्टे, 1, 2, 3। अब जो अगले 3 फंदे हैं इन 3 में से हम 2 फंदों को ऐसे स्लिप करेंगे और अगले फंदे के साथ बैक लूप से 3 का 1 करते हुए बुन देंगे, जैसे हम वी गले की कटिंग करते हैं। तो 3 फंदों का 1 बनाया। अब फिर से ये 3 उल्टे फंदे उल्टे आ जाएंगे और यही हमने अब 4 फंदे बनाते हुए चलना है। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदों का जो सीधे 3 फंदे हैं इनका 1 इस तरह से बनाएंगे। तो ये रो पूरी ऐसे ही कंप्लीट करेंगे अब, इनके 3 फंदे उल्टे। तो ये रो पहले हम बना लेते हैं।
तो देखिए ये लास्ट के हमारे फिर से सीधे फंदे रह गए हैं, जिसमें से हम दो फंदों को स्लिप स्लिप करके बैक लूप से दो का एक करते हुए बुनेंगे, एक फंदा सीधा और हेड स्टिच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमारी ये 13th रो 13वीं सिलाई कंप्लीट हुई। 14th रो 14वीं सिलाई, ये देखिए इस फंदे को स्लिप किया। अब शुरू में तो ये दो फंदे आएंगे उल्टे, एक दो और तीन फंदे ये नीचे से सीधे चल रहे थे, ये सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन। और अब एक ही फंदा उल्टा आएगा, जो पांच उल्टे थे फिर तीन थे, अभी एक ही फंदा उल्टा है। तो अब तीन सीधे एक उल्टा करते हुए हमने ये वाली रॉ बनाकर कंप्लीट करनी है। तो ये बना लेंगे। तो इस रॉ के साथ ही हमारा ये बॉर्डर जो एच है ये कंप्लीट हो गया है बनकर। अब इसके बाद एक सिलाई सीधी एक उल्टी बुनेंगे हम। आपको कोई और पैटर्न बनाना हो तो वो बना सकते हैं। तो पहले मैं इसकी कुछ सिलाइयाँ सीधी उल्टी की बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी कैसा दिखाई देता है ये। ये देखिए बनने के बाद इस तरह से ये बॉर्डर दिखाई देगा। तो इसे आप बच्चों के प्रोजेक्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने भी स्टॉल शॉल मफलर वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्ट्रेचेबल और अच्छा दिखने वाला पैटर्न है। तो अगर आपको ये बेबी कार्डिगन बनाना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये कंप्लीट करेंगे, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तब तक जुड़े रहिए चैनल से। थैंक यू।